कायना किचन में फ्रेंड्स आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन की सब्जी। जो मैं लजीज ये सब्जी बनती है, फिर मैं ट्राई, चलिए शुरू करती हूँ बनाना। ये मैं, मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली के दाने। इसको मैं थोड़ा हल्का भूनूंगी और अब मैंने डाला थोड़ा सा मेथी दाना। मेथी चटकने लग गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से काजू और अब ये डाला सफेद तिल। अब गैस की फ्लेम को मैं कर दे रही हूँ बंद और ये मैं डाल रही हूँ गरी का बुरादा। इसको भी मैं थोड़ा भूनूंगी। ये मैंने छोटे आकार के देखिए बैगन ले लिए हैं। अब मैं इसका ऊपर का भाग निकाल दूंगी और इसको इसको जो है बीच से ऐसे कट करूंगी जिससे नीचे तक काटूंगी, लेकिन नीचे का हिस्सा अलग नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऐसे मैं काट रही हूँ और इसको डाल दे रही हूँ पानी में। सारे बैगन को मैं इसी तरह कर लूंगी। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर ये तैयार होती है। ये बैगन को मैंने पानी से निकाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा फ्राई करूंगी बैगन को। ये सभी बैगन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसको खुले में ही पकाऊंगी, ढकूंगी नहीं। और जो मैंने मसाले अभी भुने थे अब मैं उसको ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए बैगन अच्छे से फ्राई हो गए। मैं ये सारे बैगन निकाल ले रही हूँ। ऑयल कढ़ाई का देखिए बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता और ये मैंने डाला जीरा और ये डाला हींग। और अब मैं डाल रही हूँ काली सरसों। सरसों देखिए चटकने लगी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और अब डाल रही हूँ लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैं डाल के रखूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये डाला कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा आधा चम्मच और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा और ये एक चम्मच गर्म मसाला और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये मसाले अच्छे से देखिए भुन गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। ये अच्छे से खोल गया है देखिए। अब मैं इसमें जो मैंने बैगन फ्राई करके डाले थे वो डाल रही हूँ और ये डाल रही हूँ हरी मिर्च और ये डाला इमली का पानी। ये सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये मैंने डाला हरा धनिया। ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बैगन की बहुत ही लजीज और बहुत टेस्टी सब्जी बनी हुई है। प्लीज एक बार ट्राई जरूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज प्लीज न भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और एफबी पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ अगले डिश के साथ। थैंक यू सो मच।